मैं डॉक्टर वंदना पांडे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज में हिंदी की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 10 की कक्षा हिंदी का कक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि सूरदास जी भक्त काल के कवि हैं और वो जो है सगुण भक्तिधारा को ही महत्व देते हैं। उसी के अगले पद के क्रम में अब मैं आपको बता रही हूँ। अविगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। बच्चों, सूरदास जी भक्त काल के कवि हैं और सगुण भक्तिधारा निर्गुण भक्तिधारा भक्ति काल में दो धाराएं हुई हैं। सूरदास जी अपने काव्य में निर्गुण भक्तिधारा को अगम्य और अगोचर बताकर, अर्थात उसको प्राप्त करने की युक्ति से परे बताकर कि जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, महाकवि सूरदास जी सगुण साकार ब्रह्म की लीला का गान करने की सलाह देते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म और निर्गुण निराकार और साकार ब्रह्म में भेद बताया है और सगुण ब्रह्म के सगुण रूप के महत्व को ही प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा है, अविगत गति कछु कहत न आवे। निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में जो अविगत, जिसकी कोई गति नहीं है, जो अविगत मतलब निराकार ब्रह्म, जिसके विषय में कुछ कहना असंभव है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वेद भी उसका पार नहीं पाते और नेत नेत कह करके चुप रह जाते हैं। यदि उस निराकार ब्रह्म का ज्ञान भक्त को हो भी जाता है तो वह उसका आनंद स्वयं ही करता है। कैसे करता है, इसका वर्णन आगे अगली पंक्ति में है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसका रसा स्वादन अपने मन में कर सकता है पर वाणी से उसका प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकता, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में भी कुछ कह पाना असंभव है। वो कैसा है, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है अत्यंत परम स्वाद, बहुत स्वादिष्ट फल को जैसे फल खा करके उसका निरंतर आनंद ले लेते हैं और उसके अंतर मन में ही वो आत्मिक संतोष प्राप्त करता है, वो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ स्वाद वाला है, जो अत्यंत मधुर है, जो निरंतर अनंत संतोष प्रदान करने वाला होता है, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को सर्वथा अगम्य और अगोचर समझ करके वहाँ तक जाने में असमर्थता प्रकट करके उस ब्रह्म को जिसने प्राप्त कर लिया, आगे है मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। वह मन और वाणी से अगम्य और अगोचर है। अगोचर मतलब इंद्रियों से परे, अगम्य मतलब पहुँच के बाहर। जो ब्रह्म कहीं उसके पास पहुंचा नहीं जा सकता, वो इंद्रियातीत है, नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगम सो जाने जो पावे, उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म को वही जान सकता है जिसको वो प्राप्त कर लेता है। जो उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उसके आनंद की अनुभूति वही कर सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। जिसका न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति है, वो निरालंब है, आश्रय विहीन है। निरालंब मतलब आलंबन विहीन, बिना किसी के सहारे के है। जिसको प्राप्त करने का कोई आलंबन नहीं है, जिसको पहुंचने के पास कोई आकृति नहीं है, जिसके रूप का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम नहीं पा सकते। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। सूरदास जी संपूर्ण तरीके से विचार करके ये कहते हैं कि सूर के सगुण भक्त की ही उपासना करनी चाहिए।
बच्चों इसका काव्यगत सौंदर्य, इसमें भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है और इसमें भक्ति रस का वर्णन हुआ है। अगम में अगम अगोचर में अनुप्रास अलंकार है और प्रस्तुत पद में प्रसाद गुण का वर्णन हुआ है। काव्य सौंदर्य व्याख्या के पश्चात अवश्य लिखना चाहिए। आशा है कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर आप अगर कोई कठिनाई हो तो मुझसे पुनः वीडियो में फिर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।